we were talking about the future contract we were and we were talking about the spot price and the future price so it is important to understand that the spot price of a commodity and the future price of that particular commodity are linked up so there is a relationship between the spot price and the future price of a commodity so in this section i'll explain okay, what is that relationship what is the nature of that relationship so फ्यूचर प्राइस किसी भी कमोडिटी का जब आपने सेट करना होता है तो वो हमेशा एडवांस में सेट होता है यानी कि आप कह रहे हैं कि हम अभी फॉर एग्जांपल जनवरी है अगर तो आप कह रहे हो मार्च में हम आपको ये कीमत अदा करेंगे तो वो जो मार्च की कीमत है वो आपकी फ़्यूचर प्राइस या डिलीवरी प्राइस कहलाती है अब हमने इस इस मिसाल में भी देखा कि हम उसको उसके होने से पहले तयन करें उसका तो अभी दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग आप जब उसका तयन करते हैं तो उसमें आप किस चीज़ को मद्देनजर रखते हैं आप उसमें मद्देनज़र रखेंगे सबसे पहले कि उसका स्पॉट प्राइस क्या है तो स्पॉट प्राइस किसी भी कमोडिटी का प्राइस है वो कीमत जिसके ऊपर अभी इमीजिएटली अगर मुझे उसका डिलीवरी लेना है तो मुझे उसकी कितनी कीमत अदा करनी पड़ेगी वो उसका स्पॉट प्राइस है एंड स्पॉट प्राइस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिन द फ्यूचर प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी राइट नाउ ये जो दोनों का फर्क है इस पर्टिकुलर फर्क से ही जो ट्रेडर्स हैं आर्बिट्राज ट्रेडर्स जिसको बोलते हैं जो कि एक मार्केट में दूसरी से चीज़ें खरीद के दूसरी मार्केट में जाके बेचते हैं या एक टाइम पे चीज़ें खरीद के या कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसको किसी और दूसरे टाइम के ऊपर बेचते हैं और वहाँ से अपना मुनाफा कमाते हैं ऐसे ट्रेडर्स को हम आर्बिट्राज ट्रेडर्स बोलते हैं तो इन दोनों में जो फ़र्क होगा स्पॉट प्राइस का फ्यूचर प्राइस का वही वही उनका मुनाफा होता है जो आर्बिट्राज ट्रेडर्स होते हैं नाउ देर इज अ फॉर्मूला दैट लिंक्सअप द्राइज विद द स्पॉट प्राइज और इसको लिंक करने के लिए जो एक और अहम फैक्टर को हम अकाउंट फॉर करते हैं दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैरी ना कॉस्ट ऑफ कैरी का मतलब ये है कि आपको अभी आपने चीज़ें बेची तो जो कीमत मिल रही थी और आपने फ्यूचर में जो कोई चीज़ें बेची उससे जो कीमत मिल रही है इन दोनों का फ़र्क को आप कंपेयर करते हो आपके कॉस्ट ऑफ कैरी से और कॉस्ट ऑफ़ कैरी में क्या शामिल होता है वो तमाम एक्सपेंसेस जो कि आपको बियर करने पड़ेंगे इसको अभी इस पर्टिकुलर जो कमोडिटी है इसको अभी डिलीवर ना करके अपने पास विदहोल्ड करने से जो भी एडिशनल चार्जेस हैं यानी कि जो स्टोरेज कॉस्ट है या कोई टैक्स देनी पड़ी है या कोई आपको स्टाफ रखना पड़ा है उसकी मेंटेनेंस के लिए उसका ख्याल रखने के लिए या अगर सपोज वो कोई पेरिशेबल कमोडिटी है तो जाहिर है उसको आपको फ्रीज़र में रखना पड़ेगा उसको फ्रिज में डालना पड़ेगा तो उस वो फ्रीज़र को चलाने के लिए जो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ी है वो तमाम चीज़ें आपकी कॉस्ट ऑफ कैरी में शामिल होंगी सो दे फॉर वी नीड टू वैन वी आर ट्राइंग टू बिल्डअप और अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्यूचर प्राइस एंड द स्पॉट प्राइस वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर वीक इन इक्वालिटी यहाँ पे हमने लेस दैन इक्वल टू का साइन लगाया एफ माइनस एस लेस दैन इक्वल टू सी का मतलब ये है कि जो आपका फॉरवर्ड प्राइस है वो आपके स्पॉट प्राइस का जो डिफरेंस है जिसको हम स्प्रेड बोल रहे थे इसका नाम हमने रखा था ये स्प्रेड है ये जो आपका स्प्रेड है ये आपकी कॉस्ट ऑफ कैरी से छोटा होना चाहिए या इसके कम अज कम बराबर होना चाहिए सो ओनली इफ इट इफ इट इज लाइक दिस ओनली देन यू विल बी एबल टू गो फॉर

कि फ्यूचर प्राइस क्या होगी और मुझे कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में जाना है या नहीं जाना इसके लिए मैं ये पर्टिकुलर इन इक्वालिटी को ज़रूर अकाउंट फॉर करूँगी राइट और उसमें आपको आप बेहतर से बेहतर रियलिस्टिक होना चाहिए एनालिसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैरी के आपको वो तमाम चीज़ें अकाउंट फॉर करनी पड़ेंगी नाउ देर इज़ अना वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि जो फ्यूचर प्राइस होती है वो कन्वर्ज करती है स्पॉट प्राइस के ऊपर सो so, दे फॉर वी नीड टू लिंक अप बिटवीन द टू के हमें पता होना चाहिए और जैसे जैसे वक्त कम होता चला जाएगा बिटवीन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ये वो एक माह की बजाय अगर एक दिन का है या दो दिन का है तो जैसे जैसे आप नेरो डाउन होते जाएंगे फर्क को कम करते चले जाएंगे वैसे वैसे स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस का फर्क कम होता जाएगा तो बेसिकली दे कन्वर्ज दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन नाउ जो कन्वर्जेंस है इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स द फर्स्ट वन इज के आर्बिट राज का जो इंटरेस्ट है वो क्या है प्योर एंड देन द इम्पोर्टेंट थिंग इज के जो आपका लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के जो डायनामिक्स हैं वो किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं ये दोनों चीजें कन्वर्जेंस को इन्फ्लुएंस करती है सो इफ यू रिड्यूस द टाइम बिटवीन द फ्यूचर प्राइस एंड द स्पॉट प्राइस वी विल सी दैट द कन्वर्जेंस डिपेंड्स अपॉन दीज टू थिंग्स द फर्स्ट वन इज द आर्बिट्रेज आर्बिट्राज का इंटरेस्ट And the second one is the dynamics of the market forces, supply and demand.